आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दोनों जमातों ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास नंबर्स नहीं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमारी जस्तजू सिर्फ पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। मुजाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। गवर्नर पंजाब वजीर आला सिंध और बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी होंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी और पंजाब काबीने का हिस्सा नहीं बनेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ओहदे से फिलफौर इस्तीफा दें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, दावा किया कि कौमी असम्बली की 180 नशस्तें जीत चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज का ऐलान किया जाए। इंतखाबी धांधली से मुतालिक साफ शफाफ तहकीकात की जाए। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तें देगा। लगता है दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। आम इंतखाबात का अदम करार देने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमांड, अदालत ने इंतखाबात का अदम करार देने की इस्तदा खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर अदम पेशी पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। तौहीन अदालत के सीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशहूद मुआफी की इस्तदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अगली समाअत पर शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत के नोटिस के बावजूद मजीद एमपी ऑर्डर कैसे जारी हुए, जस्टिस बाबर सत्तार का सवाल। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। उलमा मुशायख का सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक पाकिस्तान करने का मुतालबा। लामा ताहिर अशरफी ने मिसाक पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब में अलामिया जारी कर दिया। कहा अफवाज पाकिस्तान अदलिया तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक मेज पर बैठे। मिसाक पाकिस्तान में खारजा और दाखिला पॉलिसी को भी वाज़े किया जाए। जिन जमातों को शकूक व शुबहात में, उन्हें आइन और कानून का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। फलस्तीनियों के लिए कोई जाए अमान ना रही। गजा में जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने एक बार फिर वीटो कर दी। 13 अरकान ने फलस्तीन के हक में वोट दिए मगर काम ना आ सके। अमरीका ने तीसरी बार करारदाद को वीटो कर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी और सऊदी अरब की मजम्मत, चीन ने अमरीकी वेटो को करार दाल और कतलेआम का लाइसेंस करार दे दिया। PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स की दूसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। 3 शिकार करने वाले मोहम्मद अली मैन ऑफ द मैच करार। आज कराची किंग्स और पेशावर जलमी मध्य मुकाबले आएंगे जबकि दूसरे मैच में कलंदर सुल्तान्स से टकराएंगे। शुमाल मगरबी चीन में दर्ज हरारत -52 तक गिर गया। खून जमाने वाली सर्दी से परिंदे जमकर मर गए। कई मकामात पर तालाब भी जम गए। शदी सर्दी से शुमाल मगरबी चीन 64 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। पिंग पोंग बॉल हो या फुटबॉल, हैंगर हो या टिश्यू रोल, नौजवानों ने बाजू के एक से बढ़कर एक स्टैंड देखने वालों दंग रह गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।